कैसे हैं आप लोग? कैसे? देखिए, पहचानिए, क्या करना है? मेथिल अल्कोहल से बनाना है एथिल अल्कोहल। मेथेनॉल कैसे कन्वर्ट होगा एथेनॉल में, है ना? मतलब कार्बन के नंबर्स बढ़ाने हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ानी है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ रिएक्शंस आपको याद आ रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ, याद रखना, अगर एक कार्बन बढ़ाना है, सिंगल कार्बन, एक कार्बन अगर बढ़ाना है, तो वहां पे बेसिकली कोशिश करना आप सीएन को लाने के लिए, साइनाइड लाया, कैसे लाया? साइनाइड, ठीक है। और कार्बन के नंबर्स करने हैं डबल, रिएक्टेंट में जितने कार्बन हैं उसका डबल करना है, दोगुना करना है कार्बन, तो आप ऊर्जा रिएक्शन टाइप की रिएक्शन करा सकते हैं। फिलहाल यहां पे करना क्या आपको, अभी कार्बन एक बढ़ाना है तो आप सीएन लाएंगे। पर देखो टारगेट क्या आपका है, टारगेट है आपके पास, ये दिया गया है आपको मेथेनॉल, CH3OH मेथेनॉल, इसे कन्वर्ट करना है CH3CH2OH में, ये है एथेनॉल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, यानी इसमें आपको एक कार्बन ए बढ़ाना है, यही टारगेट आपका है। आइए हम लोग मिलकर टारगेट पूरा करते हैं यहाँ। तो समझो, पहले आपको यहां दिया गया है CH3OH, ठीक। हमने कहा जब एक कार्बन बढ़ाना पड़े तो आप सोचना कि लाया जाए पहले साइनाइड, सीएन लाया जाए, तो इस OH की जगह पे सीएन लाना है। तो एक याद रखना बेटा, OH को सीएन रिप्लेस नहीं कर सकता। कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, इसे निकालना इतना आसान नहीं होता। तो पहले आप करना कोशिश की इस OH की जगह पे आ जाए हेलोजन, क्या? हेलोजन, ठीक। अब यहाँ पे लाना है अगर हेलोजन, तो हेलोजन लाने के लिए आपने कुछ रिएक्शन पढ़ा होगा। बेसिकली होता क्या है, या तो कोई एसिड या लेविस एसिड है तभी OH हट सकता है। याद रखो, जैसे कोई ड्रिंक करके आता है अल्कोहल लेकर के, पी करके, तो वह नींबू खाने से बचता है, सिट्रिक एसिड होती है ना उसमें। दरअसल एसिड अल्कोहल की कमजोरी होती है, अल्कोहल की वीकनेस क्या है, एसिड। एसिड मतलब एच प्लस से है, एच प्लस जब पाएगा OH का साथ, एच टू बन के बाहर चला जाएगा, या कोई लिविस एसिड होगा तो भी ओ को निकालेगा यहाँ से बाहर, है ना। तो जैसे HCl के साथ रखते हो या HBr के साथ रखते हो, ये एसिड है, HBr के साथ रख दोगे तो एच प्लस OH मिलके एच टू बन जाएंगे और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और भी रिएक्शंस हैं, जैसे फास्फोरस और सल्फर के हेलाइड्स जो होते हैं, ये भी लिविस एसिड से बिहेव करते हैं, इस वजह से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे अच्छा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिखा रहा होगा थायोनाइल क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में, पेरिडिन लिखा होता है यहाँ पे, थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर रखते हो तो भी यहाँ से आ जाता है CH3Cl, ठीक है। ये निकलता क्या है, से यहाँ से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl, दो सीएल यहाँ पे है, एक सीएल आ गया CH3 के साथ CH3Cl, दूसरा सीएल इस एच के साथ HCl, ओ चला गया SO के साथ SO2 हो गया, ये हो गया CH3Cl। अगर इसको यहाँ लिखते HCl ल्यूकोस रिएजेंट वाला, याद ना, तो एच प्लस ओ एच एच टू बन जाता, सीएल यहाँ पे आता, तो यहाँ फिर एच टू निकलता। HBr रखते हैं आप तो एच प्लस ओ एच के साथ यहाँ पे 11 आता, ऐसे मतलब हेलोजन बन गया, ओ एच जगह पे आ गया हेलोजन। देखो क्या चेंज क्या है, यहाँ पे था OH और यहाँ पे अब आ गया Cl, हेलोजन। चल, बेहतरीन रिएक्शन याद रखना, अगर अल्कोहल के OH को रिप्लेस करना है हेलोजन से, तो SOCl2 आप यहाँ पे यूज कर लेना, बेहतरीन रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बने हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होता है, HCl भी गैसीय रूप में प्राप्त होते हैं, यहाँ पे ये उड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, प्योर हेलोजन प्राप्त होता है, इसलिए रिएक्शन बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है। याद रहेगा ना, OH को रिप्लेस करना है तो SOCl2 यूज कर लो, नहीं याद कर ले तो HBr HCl कुछ यूज कर सकते हो, ठीक। फिलहाल ये आ गया बेटा हेलो एल्केन। अब यहाँ पे अगर इसको रख दिया आपने KCN के साथ, एक्वस KCN, तो K प्लस हो जाएगा, CN माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl है, हेलोजन, यहाँ पे मेटल्स आप जानते ही हो, हेलोजनों की पहली पसंद होती है सिल्वर, हेलोजनों की पहली पसंद कौन है, सिल्वर, सिल्वर के बाद एस ब्लॉक के मेटल्स, ये याद रखना बहुत काम आएगा आपके। हेलोजन की पहली पसंद क्या है, हाँ सिल्वर, एजी के साथ निकलना चाहते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है ना, वैसे इनकी भी है।
पहली चॉइस हेलोजन्स की क्या है, सिल्वर, सिल्वर के बाद एस ब्लॉक के मेटल्स, यहाँ पे पोटेशियम है ही है, तो पोटेशियम के साथ सीएल बाहर चला जाएगा, यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो सीएल पे माइनस, के के साथ हो जाएगा केसीएल, है ना, और सीएल माइनस सीएचथ्री प्लस पे आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा सीएच3 और यहाँ आ जाएगा सीएन, सीएच3 सीएन हो गया, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, ए मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल बोलते हैं, अब इसका करेंगे हम रिडक्शन, क्या करेंगे इसका, करेंगे इसका रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब यहां समझना चाहते क्या है, एक देखो क्या है, ये सी एस थ्री है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ पे होता है, इसका करना है एक्चुअल में हाइड्रोजनेशन। तो जैसा साइनाइड के हाइड्रोजनेशन के लिए आप इसको याद कर लो, क्या कहते हैं कि हाँ C2H5 के साथ, C2H5OH के साथ सोडियम यूज कर लो, ये बहुत शानदार होता है तो CN के रिडक्शन के लिए। ये कैसे काम करता होगा देखो, बताते हैं, जैसे C2H5OH दिया गया ना, जब इसको Na के साथ लगते हो तो आप जानते हो यहाँ पे क्या है, O माइनस H प्लस टाइप का, ये सोडियम का मतलब होता है Na प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, तो यह O माइनस के साथ Na प्लस, ये हो जाता है C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ से H है, H को मिल गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्लस है ना H पे, माइनस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है H, ये हो गया HN, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाता है हाइड्रोजनेशन एक्चुअल में, तो यहाँ पे जब होता है हाइड्रोजनेशन रिडक्शन में क्या है, इसमें तीन बंध है, दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा है, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, दूसरा पाई टूटेगा तो एक एच यहाँ, दो ना, ऐसे कुल 4H रिक्वायर्ड है आपके पास है, तो इसमें रियल में 4H ऐसे ऐड होते हैं, तो 4H, ठीक है। यहाँ नीचे लिखते हैं देखो, यहाँ पे ऐसे क्या बन जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा CH3 C3H2 और ये हो जाएगा NH2, इथाइल अमीन हो गया, ये क्या हो गया, इथाइल अमीन, ठीक। तो याद रखना है, तो जब सोडियम को अल्कोहल के साथ रखते हो तो बनता है सोडियम एथॉक्साइड और मिलता है नेसेंट एच, मतलब अगर यहाँ पे रिएक्शन में न जाना होता, यह एच नॉन मेटल है और नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, H2 गैस बन जाती, अल्कोहल को जब रखते हैं हम लोग मेटल्स के साथ तो H2 गैस निकलती है, ये H2 इसको रिड्यूस करती है, यहाँ पे LiLH4 लिख सकते हो, LiLH4 तभी ये बन जाएगा, फिर वाटर के साथ रखना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। फिलहाल ये हो गया थाइल अमीन, अब बेटा बताओ हमको इसको क्या आप HNO2 के साथ रखना जानते हो कि नहीं, नाइट्रस एसिड है, हमने बताया भी आपको, जब कभी NH2 को डायरेक्ट OH में कन्वर्ट करना हो तो नाइट्रस एसिड के साथ रख देना, क्या बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा OH, यहां से निकलती है एक्चुअल में N2 गैस, ठीक है। जब रिएक्शन आती है तो ये बन गया आपको एथिल अल्कोहल, ये बनाना था, देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे NH2 की जगह पे OH कैसे आ गया है, कुछ सुन रहे हैं ऐसा, हाँ आपको ना याद हो तो आप डाई एसोटाइजेशन पढ़े हो तो वहां बताया गया था आपको कि जब एलिफेटिक अमीन होती है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, तो नाइट्रस एसिड के साथ रखने पर डायरेक्ट बन जाता है वहां पे OH, बता रहा समझ जाओगे आप, जानते हो ना, अगर नहीं जानते प्लीज कमेंट कर देना, हम तुरंत इसका एक्सप्लेन कर दें कैसे हुआ है। अगर एलिफेटिक अमीन है 1 डिग्री वाली, देखो 1 डिग्री है ना, हाँ 1 डिग्री अमीन है एलिफेटिक, और नाइट्रस एसिड के साथ रखोगे तो तुरंत बन जाएगा वहां पे OH, जहां पे NH2 था। यह मैकेनिज्म है डाई एसोटाइजेशन की, दो तरह के थे, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन ना, हाँ, तो एलिफेटिक में एरोमेटिक अमीन होने पर फिनाइल डाइजिनियम साल्ट बना था, याद आएगा नहीं, फिलहाल ये आपने देखा, ठीक है। आपको मेथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करना था, तो मेथेनॉल से डायरेक्ट भाई एक कार्बन बनाना हो तो आप CN नया टारगेट होगा, CNOH को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता, तो OH की जगह पहले CN लाया गया, CN लाने के आपके पास ढेर सारे तरीके हैं, आप चाहें तो इसको रख दें HCl के साथ, यहाँ पे Cl आ जाएगा, HBr के साथ तो यहाँ पे Br आ जाएगा, क्योंकि एसिड ही OH की वीकनेस होती है,
एसओसीएल टू पीसीएल फाइव के साथ रखे तो भी ये बन जाएगा, क्योंकि यह लिविस एसिड से बिहेव करते हैं। ठीक, खैर सीएल आ गया, सीएल को हमने दिया एक्वस केसीएल के साथ, एक्वस केसीएल है यहाँ पे। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में एस एन वन एस टू रिएक्शन होती, जानती हो आप। तो ये हो गया यहाँ पे सीएल को रिप्लेस कर दिया सीएन ने, सीएन आ गया, सीएल माइनस के साथ केसीएल हो गया, सीएल को रिड्यूस किया हमने, हाइड्रोजनेशन करा दिया, चाहे इसके साथ रखिए बेस्ट होता है ना सीएल के रिडक्शन के लिए। खैर आप इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख दोगे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर बन जाएगा आपका NH2CH2NH2। एसीन इसका है, ठीक है, ये बन गया। फिर अमीन, अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रख दोगे, बन जाएगा अल्कोहल। ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है, विदाउट